हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। नाउ आज का जो टॉपिक है उसमें हम न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है न्यूरल सिस्टम की, वो क्या होती है? न्यूरॉन्स। सो आज का वीडियो जो है वो पूरा का पूरा न्यूरॉन्स के बारे में, उसका डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में होगा। जस्ट प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद न्यूरल सिस्टम जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूरल सिस्टम का, साथ ही साथ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है ये टॉपिक जो है स्टार्ट कर दिया था। कुछ कुछ चीज़ें हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी की थी, तो आई होप कि वो कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से लेके हम धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। सो अगर यदि नहीं देखा है वो वीडियो तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो डील करने वाला है न्यूरॉन्स के बारे में। सो न्यूरॉन्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूरॉन्स, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? न्यूरल सिस्टम की। तो उसी तरीके से एक और, जैसे किडनी के बारे में हम जानते हैं कि जो किडनीज होती हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है। सो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है। वो भी एन से ही स्टार्ट होती है, इतनी मैं हिंट दे दी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमसे यही कहा गया है, दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम नोन एज न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन्स होता है, जैसा कि यहाँ पर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो सेल है न्यूरॉन, इसके तीन मेजर पार्ट होते हैं, तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है ये क्या होता है, इसको हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, और ये जो सेल बॉडी है उससे इस तरीके से ब्रांचिंग जो है वो निकल रही हैं, इनको हम डेंड्राइटिस के नाम से जानते हैं, और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। सो सेल बॉडी, डेंड्राइटिस और एक्सॉन, तीन मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। तीन पार्ट से मिलकर बना होता है एक न्यूरॉन, एक न्यूरल सेल। सो न्यूरॉन जो है कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइटिस एंड एक्सॉन्स। सो आई होप कि अभी तक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद और हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि जैसे कि हमने देखा तीन पार्ट से मिलकर बना होता है न्यूरॉन, ठीक है। तो जो सेल बॉडी होती है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के साथ टिपिकल सेल ऑर्गेनलीज जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें, और कुछ ग्रेन्यूलर बॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम निस्ल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर पर जाकर कि किस तरीके से सेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सेल बॉडी है पूरा का पूरा। उसमें हमने देखा कि कुछ सर्टेन सेल ऑर्गेनलीज जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ ही साथ कुछ ग्रेन्यूलर सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम निस्ल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि सेल बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मेरी बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद कहा गया है कि शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन निस्ल्स ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइटिस। अब जो सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है उससे ब्रांचिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है, और जो ब्रांचिंग फॉर्म में जो स्ट्रक्चर अराइज होता है उसको हम डेंड्राइटिस बोलते हैं। ये जो डेंड्राइटिस है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर भी जो निस्ल्स ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं कि जो सेल बॉडी है उससे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स जो है आउट हो रहे हैं, तो ये जो इस तरीके से यहाँ पर हमें डॉट 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 फॉर्म में ग्रेन्यूल्स
शो हो रहे हैं, तो वही कहा गया है कि सेल बॉडी में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो ब्रांचिंग होती है सेल बॉडी से, जिसको हम डेंड्राइटिस बोलते हैं, डेंड्राइटिस के अंदर भी ये ग्रैन्यूल्स, नस्ल ग्रैन्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप कि सेल जो न्यूरॉन तीन डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है, सेल बॉडी और डेंड्राइटिस जो है, इसके दो पार्ट हमने देख लिए। आगे की तरफ और मूव करते हैं। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स दी सेल बॉडी। अब ये जो फाइबर्स हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि जो डेंड्राइटिस हैं, ये क्या करते हैं, इम्पल्स जो है उसको सेल बॉडी की तरफ पास करने का काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एक्सोन जो है वो क्या है, ये लॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। जो एक्सोन है वो एक लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो डिस्टल एंड होता है, दैट मीन्स कि जहाँ पर एक्सोन का एंड होता है वहाँ पर भी ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इसको हम एक्सोन के नाम से जानते हैं। तो एक्सोन क्या है, ये एक लॉन्ग फाइबर है, इसका जो एंड होता है, डिस्टल एंड जो होता है, वहाँ पर भी ब्रांचिंग जो है वो देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब विच पजेजेज सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जो एक्सोन का टर्मिनल एंड है, जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, तो उस ब्रांचिंग का जो एंड है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, एंड जो है वो किस तरीके की अपीयरेंस को शो कर रहा है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो है उसको शो कर रहा है, जिसको हम सिनेप्टिक नॉब के नाम से जानते हैं। ये जो सिनेप्टिक नॉब होती है, इसके अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्सोन का जो काम है वो क्या है, कि जो नर्व इम्पल्स हैं उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, सेल बॉडी से दूर स्नैप्स की तरफ और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो है वहाँ पर नर्व इम्पल्स को पास करने का, ट्रांसमिट करने का काम किसका है, एक्सोन का, ठीक है। अब ये जो एक्सोन होता है, इसका नंबर जो है कि किसी के अंदर बहुत मोर देन वन एक्सोन प्रेजेंट होगा, तो जो नंबर है एक्सोन का, उस एक्सोन एंड डेंड्राइटिस का, उसके बेसिस पर न्यूरॉन्स जो हैं वो तीन डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, जिसमें आ जाता है मल्टीपोलर, बायपोलर और यूनिपोलर। सो यहाँ पर हमसे यही बात की गई है, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइटिस, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सोन एंड डेंड्राइटिस, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है मल्टीपोलर, सेकेंड जो है बायपोलर, थर्ड वन इज यूनिपोलर। मल्टीपोलर क्या होता है, इसमें एक एक्सोन होगा, इस तरीके से ये लॉन्ग फाइबर जो है वो एक ही होगा, साथ ही साथ टू और मोर डेंड्राइटिस होंगे, ठीक है। मल्टीपोलर टाइप का जो एक्सोन होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो रीजन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मल्टीपोलर जो एक्सोन है, ठीक है, न्यूरॉन, सॉरी, मल्टीपोलर नेचर का जो न्यूरॉन है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जिसमें एक एक्सोन और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइटिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सेकेंड टाइप, बायपोलर। बायपोलर में क्या होता है, एक एक्सोन होता है और एक ही डेंड्राइटिस होता है, ठीक है। ये इस टाइप का बायपोलर न्यूरॉन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारे आइज़ का रेटिना होता है वहाँ पर बायपोलर नेचर का न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप, यूनिपोलर। सेल बॉडी जो है विद वन एक्सोन ओनली फाउंड। सेल बॉडी जो है वो एक एक्सोन के साथ
प्रेजेंट होगी। इस तरीके का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पर यूनिपोलर नेचर का न्यूरॉन जो है वो जनरली पाया जाता है, देखा जाता है। सो आई होप कि जो एक्सॉन और डेंड्राइटिस के बेसिस पर न्यूरॉन्स की थ्री डिफरेंट टाइप हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, ये अच्छे से समझ में आया हुआ। एग्जांपल्स इनके बहुत ज़रूरी हैं कि मल्टीपोलर नेचर का न्यूरॉन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है, पाया जाता है। बाइपोलर जो है वो रेटिना ऑफ आइज में प्रेजेंट होता है, जबकि यूनिपोलर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, आगे की और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब हम एक्सॉन के बारे में या फिर बात कही जाए तो न्यूरॉन के बारे में। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन, दो टाइप के एक्सॉन जो हैं वो देखे जाते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अब इसमें क्या होता है कि माइलिनेटेड कौन सा होता है और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है। सो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवलप्ड विद स्वान सेल्स। सिंपल सी बात है कि जो एक्सॉन है, जो लॉन्ग फाइबर है, उसमें क्या होगा कि जो माइलिनेटेड वाला रीजन है वो चारों तरफ से कवर्ड होगा, किससे? स्वान सेल्स से। लेकिन जो नॉन माइलिनेटेड है वहाँ पर स्वान सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होंगी, विच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसके चारों तरफ स्वान सेल्स प्रेजेंट होंगी। स्वान सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या बनाएगा, माइलिनेटेड शीट जो है उसको बनाएगा एक्सॉन के चारों तरफ। इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर देख लेते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है हमारा न्यूरॉन का। ठीक है, अब इसमें हमसे बात की गई है कि माइलिनेटेड शीट या फिर स्वान सेल्स। सो ये क्या है, ये जो है एक्सॉन लॉन्ग फाइबर जो है इसके जो रीज़न है यहाँ पर क्या है, स्वान सेल्स जो हैं इसको कवर करके रख रही हैं। ठीक है, जब ये स्वान सेल्स जो हैं कवर करके रखती हैं तो ये क्या बनाती हैं, एक्सॉन के चारों तरफ एक माइलिनेटेड शीट जो है बनाती हैं, जिसको हम माइलिनेटेड एक्सॉन के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। अब जो दो गैप माइलिनेटेड शीट हैं उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नोड ऑफ रेनवियर क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक माइलिनेटेड शीट ये है, ठीक है, दूसरा वाला ये है। सो इस तरीके से एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसको हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। और पर्टिकुलर पॉइंट जो था उसमें हमसे यही बात की गई थी कि जो दो माइलिनेटेड शीट होती हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। अभी ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स जो हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब बात आती है नॉन माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की। सो अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, तो जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो क्या है, एनक्लोज होते हैं स्वान सेल से, लेकिन वो माइलिनेटेड माइलिन शीट जो है एक्सॉन के चारों तरफ उसको फॉर्म नहीं करते एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। सो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन का सबसे फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। उसके बाद इसके तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइटिस और एक्सॉन।
सेल बॉडी जो है उसमें ग्रेन्यूलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. डेंड्राइटिस जो है उसमें भी ग्रेन्यूलर सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है और उस ग्रेन्यूलर सब्सटेंस को हम निसल्स ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं. ये हो गया. उसके बाद थर्ड जो रीज़न है न्यूरोन का, लॉन्ग फाइबर जिसको हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं. एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है उसमें भी ब्रांचिंग देखने को मिलती है. ब्रांचिंग जो है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको हम क्या सिनेप्टिक नॉब के नाम से जानते हैं, जो कि सिनेप्टिक वेसिकल्स को कंटेन करता है जिसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं. फिर बात आ जाती है कि एक्सॉन और डेंड्राइटिस के बेसिस पर न्यूरॉन्स जो हैं वो थ्री डिफरेंट टाइप के होते हैं, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर. मल्टीपोलर जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है. बायपोलर जो है रेटिना ऑफ आईज में देखने को मिलता है, जबकि यूनिपोलर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वहाँ पर देखने को मिलता है. ये थी बात. इतनी अगर यदि हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में बात करें. उसके बाद दो टाइप के एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड जो हैं वो क्या होते हैं, उनके चारों तरफ स्वान सेल्स जो हैं उसको कवर करके रखती हैं, जो कि माइलिन शीट बनाता है एक्सॉन के चारों तरफ. ठीक है, माइलिन शीट जो होती है उस दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप होता है उसको हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं, जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है उसमें पाए जाते हैं. तो ये था पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन अबाउट न्यूरॉन. आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कंटेंट हेल्पफुल रहा होगा. एंड प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की बात की जाए या नीट एग्ज़ाम की बात की जाए टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है जो कि टाइम वेस्ट किया जाए. इन सबको, इतनी सारी चीज़ों को करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.